हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, मैंने क्या प्लान किया है आपके लिए कि आज से हम लोग रेगुलर बेसिस पर एक कैप्सूल कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। इस कैप्सूल कोर्स को हम लोग किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, देखिए इसके लिए मैंने कुछ तैयार किया है। इस कैप्सूल कोर्स में हम लोग वो सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर नीट 2021। और इस कैप्सूल कोर्स में हम लोग लगभग जितने भी चैप्टर्स कोशिश करके कवर हो पाएंगे उनके मेजर टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, या फिर ऐसे कहें जो थोड़े से टिपिकल टॉपिक्स हैं जिनको समझने में बच्चों को या हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से हम लोग जो अपना मेन कोर्स चला रहे हैं जिसमें हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और मेजर कोर्स वो चलता रहेगा। उसके साथ में एडिशनल कोर्स जो हम लोग चलाएंगे दैट विल बी अवर कैप्सूल कोर्स, जिससे कम वक्त में जो लोग नीट 2021 देने वाले हैं वो जल्दी जल्दी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, या अगर थोड़ा सा उनको क्लियर नहीं है टॉपिक तो वो उस टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने कैप्सूल कोर्स 01, दैट इज़ पहला कैप्सूल कोर्स जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मिसेलसन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट को। मिसेलसन और स्टॉल ने क्या किया था, इन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश की थी कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है ये एक सेमी कॉन्जर्वेटिव प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? इट इज़ ए सेमी कॉन्जर्वेटिव प्रोसेस। सेमी कॉन्जर्वेटिव का मतलब होता है एक डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड पैरेंटल होता है एंड द अदर स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। और इसी बात को प्रूव करने के लिए मिसेलसन और स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, दैट इज मिसेलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। तो ये बात है 1958 की। 1958 में, इन ईयर 1958, टू साइंटिस्ट नेम्ड मैथ्यू मिसेलसन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, मैथ्यू मिसेलसन और फ्रैंकलिन स्टॉल नाम के दो वैज्ञानिकों ने ये बात प्रूव करने की कोशिश की दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कॉन्जर्वेटिव प्रोसेस। दे एक्सपेरिमेंटेड टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कॉन्जर्वेटिव प्रोसेस। डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कॉन्जर्वेटिव प्रोसेस है। सेमी कॉन्जर्वेटिव मीन्स, इसको मैंने जैसे अभी आपके लिए डिस्कस किया था, दैट मीन्स 50% पार्ट जो होता है डीएनए का, दैट इज पेरेंटल पार्ट, दैट इज पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, एंड द अदर 50%, दैट इज जो दूसरा स्ट्रैंड होता है, दैट इज योर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, दैट इज योर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। बात को समझिएगा गौर से। अगर हम लोग बात करते हैं डीएनए की, किसकी बात करते हैं? डीएनए की बात करते हैं, तो डीएनए जो होता है इट इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग कहते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियो टाइड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियो टाइड। अब अगर हम लोग डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियो टाइड के कंपोनेंट्स को देखेंगे तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियो टाइड में तीन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। वन इज योर शुगर विच इज नोन एज डी ऑक्सी राइबोज शुगर। डी ऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है यहाँ पे, हैविंग इट्स मॉलिकुलर फार्मूला C5H6।
H10O4। दूसरा कंपोनेंट होता है इसका फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड। और यहाँ पर तीसरा और मेजर कंपोनेंट जिसके मदद से इन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, दैट इज द नाइट्रोजिनस बेसिस। यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस होता है। नाइट्रोजिनस बेस की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजिनस बेसिस आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ये दो ग्रुप्स में बांटे गए हैं, वन इज योर प्यूरिन्स, एक ग्रुप को हम लोग प्यूरीन कहते हैं और दूसरे ग्रुप को हम लोग पिरिमिडीन कहते हैं। प्यूरीन कंसिस्ट ऑफ फोर नाइट्रोजन, यहाँ पर चार नाइट्रोजन होते हैं, फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड नाइन्थ पोजीशन। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ और नाइन्थ पोजीशन, ना कि मैंने बोला फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड नाइन्थ कार्बन। ये चार नाइट्रोजन पहली, तीसरी, सातवीं और नवीं पोजीशन पर होते हैं, ना कि पहले, तीसरे, सातवें और नवे कार्बन पर। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले, तीसरे, सातवें और नवीं पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है। और पिरिमिडीन कंसिस्ट ऑफ टू नाइट्रोजन, यहाँ पर दो नाइट्रोजन होते हैं, विच इज एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, जो पहली और तीसरी पोजीशन पर आते हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अगर, तो नाइट्रोजनस बेस जो है इसको दो पार्ट्स में बांटा गया, वन इज योर प्यूरीन एंड अदर इज पिरिमिडीन। प्यूरीन कंसिस्ट ऑफ एडनीन एंड गुआनीन, वाइल पिरिमिडीन कंसिस्ट ऑफ थाइमीन एंड साइटोसिन। और ये जो एडनीन होता है ये पेयर करता है थाइमीन से बाय द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, एंड ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन बाय द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब देखते हैं इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया, जो टूल यूज किया यानी जिसका इस्तेमाल किया, दैट वॉज ई कोलाई बैक्टीरिया और NH4Cl। बात को समझिएगा गौर से। ई कोलाई जो होता है, इट डिवाइड्स इन 20 मिनट्स। ये जो ई कोलाई होता है ये 20 मिनट में डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स इन 20 मिनट्स। और ये जो NH4Cl है, इट वॉज द मीडियम। मीडियम क्या रखा, अमोनियम क्लोराइड रखा। इस मीडियम में स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ई कोलाई को ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जहाँ पर NH4Cl तो प्रेजेंट था, और यहाँ पर जो NH4Cl का नाइट्रोजन था, दैट वॉज योर N15, दैट इज हैवी नाइट्रोजन, मीडियम कंटेनिंग हैवी नाइट्रोजन। हैवी नाइट्रोजन किसको कहते हैं हम लोग, देखिए नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, वन इज योर N15, दैट इज 7N14 एक हो गया, और दूसरा होता है 7N15। यहाँ पर इसका एटॉमिक मास जो है 15 है, दैट इज वाई इट इज नोन एज हैवी नाइट्रोजन, इसको हैवी नाइट्रोजन बोला गया। और यहाँ पर एटॉमिक मास 14 है, दैट इज वाई इट इज नोन एज लाइट नाइट्रोजन। अब बात को समझिएगा, इन्होंने क्या किया, दे ग्रीव ई कोलाई इन ए मीडियम हैविंग हैवी नाइट्रोजन, दैट इज N15 जहां पर था। बात को समझिएगा, जहां पर मीडियम में NH4Cl में जो नाइट्रोजन था, दैट वॉज N15। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जैसे कि N15H4Cl। तो अब यहां पर हुआ क्या, जब N15H4Cl वाले में ग्रो कराया, तो इस ईकोलाई में जो डीएनए था, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड था,
और न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस था, और हमने अभी आपको बताया नाइट्रोजनस बेस इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो अब इससे हुआ क्या कि जो भी नाइट्रोजन डीएनए में आया उसमें क्या हो गया, N15 पाया जाने लगा, दैट इज हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यहां पर प्रेजेंट था। तो डीएनए कंटेन्स N15, यहां पर कौन सा डीएनए मिला, N15, यानी कि यहां पर जो नाइट्रोजनस बेस था उसका जो नाइट्रोजन था वो कौन सा था, N15 था। और अब क्या हुआ, ये जो डीएनए है, अगर मैं इस तरह से डीएनए को ड्रॉ करूं तो ये जो डीएनए है इस डीएनए में N15 आ गया, इन दोनों स्ट्रैंड्स में नाइट्रोजन कौन सा था, N15 था। और जब दोनों स्ट्रैंड्स में N15 पाया गया तो ऐसे डीएनए को इन्होंने कहा हैवी डीएनए। इस डीएनए को इन्होंने क्या बोला, दे कॉल्ड इट एज हैवी डीएनए बिकॉज यहाँ पर जो भी नाइट्रोजन है वो N15 वाला है। अच्छा, अब ऐसा करने के बाद इन्होंने मीडियम को चेंज किया, जब डीएनए में N15 इनकॉर्पोरेट हो गया, क्योंकि मीडियम में सिर्फ और सिर्फ N15 था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक रूम में रखा गया है और वहाँ पर आपको लगातार एक, जैसे मैं कहूँ पानी पीने को दिया जा रहा है, तो आपको वो नॉर्मल वाटर, सिंपल टैप वाटर जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब कुछ समय के बाद अगर मैं आपकी बॉडी को देखूंगा तो आपकी बॉडी में जो भी वाटर होगा वो नॉर्मल वाला वाटर होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, आपको उठाया और एक दूसरे रूम में बिठा दिया जहाँ पर आरओ का पानी था, दैट इज फिल्टर्ड वाटर रखा हुआ था। तो कुछ समय के बाद आपकी बॉडी में जो वाटर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो फिल्टर्ड वाटर आएगा। ठीक है, और उसके तुरंत बाद जब हम लोग देखेंगे तो आपकी बॉडी में वाटर हम लोग चेक करेंगे। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए, अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मीडियम को चेंज कर दिया, दे चेंज द मीडियम। और जब इन्होंने मीडियम को चेंज किया तब यहाँ पर इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा प्रोसेस होता है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है। तो देखिए बात को समझिएगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने ये एक स्ट्रैंड, एक डीएनए ये बनाया है, रेप्लिकेशन के दौरान ये स्ट्रैंड जो होता है एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने मीडियम को चेंज कर दिया और यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजन डाल दिया N14, तो अब इसके सामने जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसमें तो ये तो पेरेंटल स्ट्रैंड है आपका, दिस इज़ योर पेरेंटल स्ट्रैंड, तो ये N15 वाला तो इसमें पाया ही जाएगा। और हमने अभी आपको बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है सेमी कंजर्वेटिव, यानी अब जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसमें कौन सा नाइट्रोजन मिलेगा, N14 नाइट्रोजन, कौन सा नाइट्रोजन मिलेगा, N14 नाइट्रोजन मिलेगा। तो चलिए इसी बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो चलिए देखते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने हैवी डीएनए को लिया, ये देखिए ये मैंने हैवी डीएनए ले लिया इस तरह से, यहाँ पर N15 दोनों ही कौन से हैं, N15, क्यों, क्योंकि इसको ऐसे मीडियम में ग्रो कराया गया है जहाँ पर NH4Cl में नाइट्रोजन कौन सा था, हैवी वाला था। तो अब इकोलाई में कई जनरेशन के बाद जो भी डीएनए मिलेगा उसमें N15 ही पाया जाएगा। अच्छा, नाउ दे हैव चेंज द मीडियम, अब इन्होंने मीडियम को चेंज कर दिया और इन्होंने मीडियम में क्या डाला, NH4Cl डाला, लेकिन अब ये जो NH4Cl है उसका नाइट्रोजन जो है वो N14 वाला है। तो अब हम लोगों को समझना होगा कि 20 मिनट के बाद जब इकोलाई डिवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है इसका डीएनए भी रेप्लिकेट किया होगा अंदर, और अब जो डीएनए मिलेगा तो देखिए क्या होगा, ये एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे, एक स्ट्रैंड ये हुआ दूसरा स्ट्रैंड ये हुआ। ठीक है, अब इसके सामने जो डीएनए मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, उसके इसके सामने जो स्ट्रैंड बनेगा बेसिकली उसमें कौन सा नाइट्रोजन होगा, इट वुड बी कंटेनिंग N14, तो ये वाला जो है यहाँ पर N14 वाला स्ट्रैंड बनेगा, ये जो नया स्ट्रैंड है ये कौन सा होगा, N14 वाला स्ट्रैंड होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मीडियम में N15 अवेलेबल नहीं है,
अब इसके सामने जो भी स्टैंड बनेगा उसमें नाइट्रोजन के रूप में कौन सा आइसोटोप होगा, इट वुड बी N14, दैट इज लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां पर देखिए पैरेंट वाला N15 और न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड जो है उसमें जो डीएनए होगा उसमें जो नाइट्रोजन होगा दैट वुड बी N14। अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ेगा, जब एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ेगा तो देखिए अगले 20 मिनट के बाद यानी पहले शुरुआत में 20 मिनट्स, अब और 20 मिनट्स यानी कि टोटल टाइम जो है एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट हुए कितना हो चुका है 40 मिनट्स, ये बात ध्यान रखिएगा, टोटल टाइम इज़ नाउ 40 मिनट्स। और मीडियम में अभी भी क्या है N14H4Cl, बात को समझिएगा गौर से। अब यहाँ पर क्या होगा, सेम वही चीज़ होगी भाई, दोनों स्टैंड्स अलग होंगे और इनके सामने एक नया स्टैंड बन जाएगा। तो देखिए ये मैंने पहले वाले डीएनए के स्टैंड को अलग किया और अब मैं दूसरे वाले डीएनए के हैवी स्टैंड को यहाँ पर देखिए अलग करने के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने पहले वाले का दूसरा स्टैंड, ये दैट इज़ जो लाइट स्टैंड है, और ये वाला जो लाइट स्टैंड है इसको अलग किया। तो ये N14, दिस इज़ ऑल्सो योर N14, ये आपका कौन सा है जो रेड वाले से मैंने दिखाने की कोशिश की है, दिस इज़ योर N15 एंड दिस इज़ ऑल्सो योर N15। और अब इसके सामने जो नया स्टैंड बनेगा दैट वुड बी कंटेनिंग विच टाइप ऑफ नाइट्रोजन, लाइट नाइट्रोजन, बिकॉज मीडियम में अभी भी N14H4Cl ही पड़ा हुआ है। तो अब देखिए इस तरह से, ये देखिए ये N14, इसके सामने एक नया स्टैंड बना, इसमें भी जो नाइट्रोजन होगा वो भी N14, इसके सामने जो नाइट्रोजन आएगा देखिए ये भी N14, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन आएगा ये भी कौन सा होगा N14 वाला। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो नया डीएनए बना इसमें 50% पैरेंट वाला पार्ट है और 50% नया वाला पार्ट है, इससे ये प्रूव हो रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कॉन्जर्वेटिव प्रोसेस है। जहाँ पर इन्होंने दोनों N15 आइसोटोप देखे दोनों स्ट्रैंड्स में, उस डीएनए को इन्होंने बोला हैवी डीएनए। जहां पर इन्होंने एक हैवी नाइट्रोजन वाला स्ट्रैंड और एक लाइट नाइट्रोजन वाला स्ट्रैंड देखा, इसको इन्होंने बोला हाइब्रिड डीएनए। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कैसा है, दिस इज योर हाइब्रिड डीएनए। और जहां पर इन्होंने दोनों ही नाइट्रोजन N14 वाले देखे, इसको इन्होंने बोला लाइट डीएनए, दिस इज योर लाइट डीएनए। और ये क्या हो गया आपका हाइब्रिड डीएनए, और ये वाला भी कौन सा हुआ आपका हाइब्रिड डीएनए। और ये जो ग्रीन वाला टोटली दिख रहा है इसमें दोनों N14 है, इसको क्या बोला इन्होंने लाइट डीएनए बोला। और डीएनए को रेगुलर बेसिस पे, ये रेगुलर इंटरवल्स पे अलग कर रहे थे बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज, डेंसिटीज़ की मदद से, डेंसिटीज़ के आधार पर डीएनए को अलग कर रहे थे बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। और जो इंस्ट्रूमेंट था दैट वाज योर सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, दैट वाज योर CsCl डेंसिटी ग्रेडियंट, सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट की मदद से अलग कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं जो हैवी डीएनए था, ये अगर मैंने मान लिया दिस इज़ योर सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, यहाँ पर ये आपका सीशियम क्लोराइड, मैं इधर ऊपर बना देता हूँ, सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट है ये इस वाले का मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये देखिए। तो अब हम लोग क्या देख सकते हैं, जो जहाँ पर हैवी डीएनए था, हैवी चीज़ें तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये बेस पर पाई जाएगी, ठीक है, जहाँ पर हाइब्रिड डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए ये ना तो हैवी है और ना ही ये कैसा है लाइट है, तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, ये आपका बीच में पाया जाएगा, ठीक है, ये ना तो बहुत हैवी है ना तो बहुत लाइट है, तो ये हाइब्रिड डीएनए है, ये बीच में पाया गया। और यहाँ पर अब देखिए हैवी और लाइट दोनों डीएनए है, तो जो लाइट डीएनए होगा वो ऊपर की तरफ पाया जाएगा जिसको मैंने ग्रीन से सिंबलाइज किया है, और जो हैवी डीएनए हाइब्रिड डीएनए होगा ये कैसा, ये कहाँ पर मिलेगा, ये बीच में पाया जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम लोग ने क्या देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कॉन्जर्वेटिव प्रोसेस है, और दिस इज़ योर सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, ये आपका क्या है सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, इसकी मदद से हम लोग ने डीएनए को अलग किया बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन बेस्ड ऑन देयर
बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज, डेंसिटीज के आधार पे। आपकी बुक में जो डायग्राम दिखा है, बना हुआ है, उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए ये N15 वाला डीएनए है, ये कैसा डीएनए है, दिस इज योर N15 डीएनए। और अब देखिए ये 20 मिनट में डिवाइड, जब यहाँ पर देखिए N15 यानी दिस इज योर हैवी डीएनए, तो यहाँ पर इन्होंने हैवी डीएनए लिखा और यहाँ पर दोनों ही आइसोटोप देखिए N15 वाले हैं, तो ये बेस में मिला। ठीक, उसके बाद अगले 20 मिनट में जब डिवाइड किया गया तो जनरेशन वन यानी जो फर्स्ट जनरेशन आई वहाँ पर देखिए हाइब्रिड डीएनए है, एक हैवी वाला दिख रहा है, ये जो रेड कलर का स्ट्रैंड है ये देखिए यहाँ से आया है। ठीक, ये वाला यहाँ से आया है और इसके सामने एक दूसरा स्ट्रैंड बनता है जो किस कलर का है, विच इज़ योर ग्रीन कलर, ये आपका ग्रीन कलर वाला स्ट्रैंड है। तो ये N14 हो गया और ये N15 वाला हो गया, तो ये हाइब्रिड कहलाएंगे दोनों। और अगली जनरेशन में यानी जनरेशन सेकेंड में आप देख सकते हैं ये स्टैंड्स अलग हुए और इनके सामने फिर से N14 वाला स्टैंड्स आकर के बन गया और सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट की मदद से हम लोग ने इसको अलग किया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेपरेशन इज डन बाई सेंट्रीफ्यूगेशन, किसके थ्रू, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट से ऐसा किया गया। तो इस तरह से हम लोग ने अपना पहला कैप्सूल कोर्स को कवर कर लिया। एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं, बाद में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टेलर, जिनका नाम टेलर था, टेलर और उनके साथियों ने देखिए टेलर एंड हिज कलीग्स इन्होंने भी 1958 में एक चीज़ और प्रूफ की, किसमें, इन विशिया फेबा, किसमें प्रूफ की, विशिया फेबा में प्रूफ की, विच वी ऑल्सो कॉल एज फेबा बीन्स। यहाँ पर इन्होंने क्या प्रूफ किया, दैट क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है वो भी सेमी कॉन्जर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। प्रूव्ड दैट विशिया फेबा में इन्होंने प्रूफ किया दैट डीएनए इन द क्रोमोसोम ऑल्सो रेप्लिकेट सेमी कॉन्जर्वेटिवली। और इस तरह से हम लोगों ने अपने कैप्सूल कोर्स नंबर 1 को पूरा किया, जिसमें हम लोग ने पढ़ा कि मिसेलसन और स्टॉल ने कैसे ये बात को प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कॉन्जर्वेटिव प्रोसेस। हम आने वाले समय में और भी इंटरेस्टिंग कोर्सेज, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे जब भी हम लोग कोई नए वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।